चलो एक सेकंड। तो गाइस चलिए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर गुफा के, कोटेश्वर महादेव। चलिए प्रकृति का जल है, आप यहाँ पर अपने हाथ पैर धो सकते हैं अच्छे से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पानी कैसे है आपका? साफ पानी, ठंडा होगा ना? गर्म, मजाक मत करो। हाँ हाँ, ये झरना देखिए आप, मतलब कितना प्यारा लग रहा है इसका व्यू, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू। तो चलिए बराबर से मंदिर के दर्शन जाता हूँ। क्या चल रहा है यार? यहाँ पर एक कुंड भी है गाइस, यहाँ पर आप देखिए एक प्रकृति का कुंड है यहाँ पे, इसका जल गंगा जल बोलते हैं इसे। और तो कभी दर्शन कर ले। सो गाइस कुछ इस तरीके का ये गुफा मंदिर है, काफ़ी मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए हैं यहाँ पे आके। मेरे को नहीं पता यहाँ पर ऐसा क्या है, क्यों है, बट कहानी बताती है कि भोलेनाथ स्वयं यहीं पर बैठ के आराधना किया था और यहीं पर बैठ के उन्होंने विश्राम किया था केदारनाथ जाने से पूर्व। और आप यहाँ की कलाकारी देख सकते हैं, कुदरत की कलाकारी कहेंगे इसे, कितना ही सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ऐसे व्यू के लिए यार एक लाइन तो बन रही है ना। हर हर महादेव। तो गाइस मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूँगा इसमें, इस गुफा मंदिर में कुछ ऐसी कलाकृतियाँ हैं ऐसे आपको यकीन नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर भी है, ये पूरी जगह पाक है, एकदम पवित्र है। ये देखिए कुदरती यहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं, एक नहीं अनेकों अनेकों शिवलिंग यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे शिवलिंग, ये देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग है, उधर भी शिवलिंग है, हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग। तो गाइस ये देखिए शिवलिंग शिवलिंग, और सबसे जो मुख्य गुफा है यहाँ से थोड़ा सा और अंदर है। ये देखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पता नहीं कैमरे में आ नहीं रहा है, अपना बता दें हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों दर्शन हो गए, बाबा जी की मनोकामना पूरी करें, जिसको जो चाहिए वो मिले और सब सुखी रहे, खुश रहें, आपसे यही मेरी मनोकामना है। यहाँ पर शंकर भगवान जी हैं, इनके कान में भी हम अवश्य रहेंगे। हर हर महादेव। तो गाइस ये है मंदिर का गुफा, और ठीक सामने बह रही है यहाँ पे अलकनंदा
नदी, क्या ही सुंदर यहाँ का व्यू है। आप देख रहे हैं पत्थर किस तरह से नकासी हुई है। जब ये नदी आती है तो ये नदी से हज़ारों सालों से ये पानी की बौछार लग लग के यहाँ पर, ये देखिए ऊपर देखिए आप पाँचा मारें है।